हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आप लोग ठीक ही होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने बहुत अच्छा एक DIY लाया है। इससे आपके बालों में कलर भी आ जाएगा, आपके बालों का झड़ना भी रुक जाएगा। तो इसे बनाना कैसे है, लगाना कैसे और मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की, वो सारी जानकारी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और मैं हूँ ममता विश्वकर्मा, मेरे चैनल का नाम है ममता विश्वकर्मा ब्लॉग्स। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस DIY हेयर ऑयल को, मैंने कैसे बनाया है और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लेना है एक टोप और गैस को ऑन कर देना है और इसमें आपको ऐड करना है छोटे ग्लास से पानी। आप अपने बालों के हिसाब से पानी ऐड कीजिए। तो यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम है जो हाई पे रखा है और पानी को अच्छे से उबाल आने देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पानी में बहुत अच्छे से उबाल आ चुका है। तो जो फर्स्ट चीज़ मैं ऐड करने वाली हूँ वो चाय पत्ती। आप कोई भी ब्रांड का, आप घर में आपके किचन में कोई भी चाय पत्ती हो आप वही लीजिए। और इसको मैंने डाला है, आप चम्मच देख सकते हो चम्मच की साइज़, और मैंने अपने बालों के हिसाब से यहाँ पे ऐड किया है 3 चम्मच मैंने चाय पत्ती पाउडर ऐड की हूँ। अब हमें इसे मीडियम आँच पर पकाना है और तब तक पकाना, आप यहाँ पर पानी देख सकते हो कैसा है और इसका देखिए कलर अभी हल्का सा हुआ है। तो इसका जो पानी है हमें आधा करना है और मैं अपने बालों के हिसाब से रखने वाली हूँ। अगर आपके बाल मुझसे भी लंबे हैं तो आप उस हिसाब से पानी ऐड कीजिए, उसी हिसाब से आप चाय पत्ती ऐड कीजिए। तो चलिए इसे मीडियम आंच पे इसे अच्छे से पकने देते हैं जब तक इसका पानी आधा नहीं हो जाता है। जब तक पानी उबल रहा है चाय पत्ती का, तब तक हम यहाँ पे जो सेकंड चीज़ ऐड करने वाली हूँ तो उसे कैसे बनाना है वो शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ का ऑनियन प्याज लिया है यहाँ पे, और इसे मैंने अच्छे से छिल लिया है। और इसका हम पेस्ट बनाएंगे। इसका हमें जूस चाहिए, मतलब ऑनियन का जूस चाहिए। तो चलिए इसे छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो साइज़ रखा है एकदम मीडियम साइज़ का, क्योंकि मैं इसका मिक्सर की वाटी में, मतलब मिक्सर के बर्तन में डाल के इसका पेस्ट बनाऊंगी, फिर उसके बाद रस निकालूंगी। अगर आप चाहिए तो कद्दूकस करके भी इसका रस निकाल सकते हो, पर मुझे पेस्ट किया हुआ बहुत आसान लगता है कि जल्दी से ये पेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे चाय पत्ती का जो पानी है देख सकते हैं आधा हो चुका है। तो हमें इतना ही पानी चाहिए और अब इसे हम करते हैं गैस बंद। देख सकते हो एकदम नेचुरल कलर आया है। अगर आप वाइट बाल पे या ब्लैक बाल पे भी लगाते हो ना, बहुत अच्छा आपको ये रिज़ल्ट देने वाला है चाय पत्ती का पानी। तो चलिए इसे अब हम एक बर्तन में छान लेते हैं, हमें इसका पानी ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हो खाली कटोरी ले लिया और चाय छलनी ले ली हूँ, तो मैं इसी से अच्छे से सारे पानी है जो छान लूँगी। तो यहाँ पे जो चाय पत्ती है इसे वेस्ट नहीं करना, आप इसकी चाय भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो चाय पत्ती का पानी है बन के रेडी हो चुका है, तो इसे रखते हैं साइड में, इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं तब इसे रखते हैं हम साइड में। अब जो हम सेकंड जो हमने ऑनियन का जूस निकाला था वो लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने खाली बाउल ले लिया है, अब इसमें मैं वही चाय छन्नी का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहिए तो कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देख सकते हो इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है। अब इसे हम छन्नी की सहायता से, चम्मच और चाय छन्नी की सहायता से इस तरीके से जितना ऑनियन का जूस से रस है उसे हम निकाल लेंगे। बहुत आसानी से, मुझे बहुत इजी लगता है इस तरीके से ऑनियन का जूस निकालना। तो चलिए फटाफट इसे निकाल लेते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, देख सकते हो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। तो चलिए पूरा निकाल लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से ऑनियन का जो जूस है निकल चुका है। तो अभी यहाँ पे कम से कम 3 चम्मच तो होंगे एक बड़े प्याज के जो जूस है वो निकल चुके हैं। मतलब पूरा लेना है हमें, बिल्कुल भी हाफ़ नहीं करना है, एक बड़े प्याज का जूस आपको लेना ही लेना है।
अब हमें जो चाय पत्ती का पानी है वो भी बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑनियन का जूस, जितना हमने निकाला था वो सारा हमें जूस ले लेना है। आप सोचोगे इतना ये पानी के जैसा है, पतला है, तो रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा है। मैं आपको दो तरीके से, जो पहला स्टेप है वो है जैसे आप इन दोनों के साथ शैम्पू ऐड करके अपने बालों में लगा के वॉश कर लीजिए, या फिर जो सेकंड है वो मैं बताती हूँ आपको करके। सेकंड वाला बहुत अच्छा रिज़ल्ट देने वाला है। अगर आपने बालों में तेल नहीं लगाया और नहीं किया है तो आप इस तरीके से ज़रूर कीजिए जैसे मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बालों में ऑयल नहीं लगाया है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये दूसरा स्टेप बता रही हूँ। जो दूसरा स्टेप है, आपके बाल जितने हैं ना आप उतना ऑयल लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 2 से 2.5 चम्मच आंवला तेल डाला है। आप आंवला तेल या आंवला पाउडर भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हो। बस हमारा बन के जो है हेयर ऑयल, हेयर शैम्पू, आप जो भी बोल सकते हो, दोनों बन के रेडी हो चुके। मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है, आप इसकी जगह शैम्पू भी ऐड कर सकते हो। और शैम्पू कर डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अपने बालों में लगा के इसे वॉश कर लीजिए। आपको रिज़ल्ट दोनों का बेस्ट आने वाला है। पर जो मैं हेयर ऑयल लगाने की बात कर रही हूँ, तो देखिए मैंने बता तो दिया इसे बनाना कैसे। आप 2 स्टेप में भी बना सकते हो। इसमें शैम्पू भी डाल के अपने बालों को वॉश कर सकते हो, इसमें ऑयल डाल के अपने बालों में लगा के छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे हेयर ऑयल बन के रेडी हो चुका है। आप इसे बना के रख भी सकते हो, या फिर आपके बालों के हिसाब से अगर आपका बच भी जाता है तो आप स्टोर करके रख दीजिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने अपने बालों के हिसाब से ले लिया है, अच्छे से बालों में अच्छे से मसाज करूँगी मैं। तो चलिए बना के तो बता दी हूँ, लगाना कैसे वो भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरा ये हेयर ऑयल, हेयर शैम्पू का रिव्यू अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको अपने बालों में अच्छे से कंघी कर लेनी है कि बिल्कुल भी जो गुथ होती है हमारे बालों में, लट होती है, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं जब से DIY कर रही हूँ अपने बालों में तो मुझे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। अगर आप लोग कर रहे हो, क्या रिज़ल्ट आ रहा है प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। तो चलिए इसे लगाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप अपने बालों में ऑयल या ऑयल वगैरह लगाते हो ना, उसी तरीके से ही आपको लगाना है अच्छे से। थोड़ा सा पानी है, पानी के जैसा है, तो इसका कोई भी ऐसा मत सोचिए कोई रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। आपके बालों का जो झड़ना है ना वो बंद हो जाएगा, और आपके बालों की जो ग्रोथ है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी लंबाई। और सबसे बेस्ट कि आपके बालों में जो कलर आएगा ना, बहुत बहुत बेस्ट है। अब इसे मैंने बता दिया ये काम क्या करने वाला है, कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, इसे कितनी बार लगाना है। आप जब भी अपने बालों को वॉश करते हो ना, तब आप इसे लगा के 2 घंटे तक आप अपने बालों को छोड़ दीजिए। इसे रात भर लगा के मत छोड़िए। इसे मतलब कैसे, इसे आपको रात भर लगा के नहीं छोड़ना है, आपको इसे बाल धोने के 2 घंटा पहले लगाना है और अपने बालों को अच्छे से वॉश करना है। शैम्पू, जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हो ना, उसी शैम्पू से आपके अपने बालों पे धो के वॉश करना है। सच बता रही, अगर आप कर रहे हो ना, प्लीज़ मुझे रिव्यू ज़रूर दीजिए आपको क्या रिज़ल्ट आया है और आप कैसा आपको रिज़ल्ट आया, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो इसी तरीके से आपके बालों की केयर करनी है। आप जब भी केयर करोगे, DIY करोगे, तो आपको कोई भी केमिकल वाली चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके नेचुरल बाल कलर भी दिखेंगे और आपके बालों में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है। तो मैंने इसी तरीके से अच्छे से मसाज किया है अपने बालों में। तो यहाँ पे जो है ऑयल करके मेरा हो चुका है मसाज, और जितने भी
ऑयल थे सारे मेरे बालों में लग चुके हैं और मैं अच्छे से मसाज कर चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा हेयर ऑयल का वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा।